हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हमारी आज की वीडियो इस प्रकार है कि आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें 3D डिपार्टमेंट से कैमरा मिलता है तो उसे हम न्यूक के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, अगर आपको 3D डिपार्टमेंट से कैमरा मिलता है तो आप कुछ ऐसा मिलता है आपको। इसके अंदर से आपको ये .nk फाइल है, न्यूक फाइल है, उसको यहाँ पर सिर्फ ड्रैग करना है, जिससे कि आपका ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप इसमें देखेंगे आपको लोकेटर्स मिलते हैं जो कि आपके सामने ये हैं। ये लोकेटर्स हैं हमारे, ये सीन है, ठीक। इसके बाद एक्सिस ग्रुप है और ये हमारा कैमरा है, ये स्कैनलाइन रेंडर है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकी हेल्प से हम कार्ड कैसे निकालते हैं या स्पीयर कैसे निकालते हैं और अपने शॉट को अलाइन कैसे करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो आपको कैमरा तो मैचमू डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा। आप समझ में भी आ गया कि आपको कैसे इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद का स्टेप हम सीखते हैं कि आपको यहाँ पे लोकेटर्स तो दे रखे हैं लेकिन आपके पास कार्ड नहीं है ना ही स्पेयर है, तो आप उसे प्रोजेक्ट किस चीज़ में करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो ये BG है आप अपने फुटेज में लगा दें। आपका BG यहाँ पर लग गया। उसके बाद आप स्कैनलाइन रेंडर से व्यू करेंगे तो आपको देखेंगे आपके लोकेटर्स यहाँ पर, लेकिन आप किसी भी लोकेटर को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किसी को भी मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में टैब प्रेस करेंगे। टैब से क्या होगा, आप 3D व्यू में आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है, डिफ़ॉल्ट में आपको जाके जो कैमरे का नाम है आपके, तो जैसे कि अभी यहाँ पर इस कैमरे का नाम ये है तो आपको यहाँ पर कैमरे का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर कैमरा है इसको लॉक कर देना है आपको। इससे क्या होगा, आपको 1 यहाँ करना है, 2 यहाँ करना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे W प्रेस करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 3D व्यू भी दिखाई दे रहा है और 2D व्यू भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करना है। एक्चुअली ये हमारे लोकेटर्स किस लिए होते हैं कि आपको पता चल सके कि आपको 3D इन्वायरमेंट में अपना कार्ड कहाँ प्लेस करना है। जैसे कि आपको मैं और डिटेल में समझाऊं, अगर अगर मैं इस चीज़ को अनलॉक कर देता हूं तो मैं आराम से इस चीज़ में आपको दिखा पाऊंगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये मेरी स्क्रीन है, ये आगे वाले लोकेटर्स यहां दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे कि आप ये देखेंगे, ठीक। उसके बाद जो पीछे क्रोमा लगा हुआ है उसके लिए अलग से आपको पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना है तो आपका जो कार्ड है वो आपका सही जगह में होना चाहिए। अगर मैं इस स्क्रीन के लिए कुछ कर रहा हूँ या यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ और मेरा स्क्रीन यहाँ पे है तो मेरा कार्ड भी यहीं पे होना चाहिए। मेरा मेन मकसद आपको ये समझाने का है। और उसके बाद आपके पास कार्ड नहीं है यहाँ पे, तो आप कार्ड को लेंगे कैसे, सबसे मेन चीज़ वो है। तो आप दोबारा से उसी चीज़ में आ जाते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कैमरे को लॉक करेंगे। अभी आप यहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ दिखेगी यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करें और वर्टेक्स सिलेक्शन में चले जाएं। अब किसी भी चीज़ को आप आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे, अब देख रहे हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पीछे वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपका कार्ड सही नहीं आएगा। तो अभी जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसको अनलॉक कर देता हूँ, तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे पता है कि मेरी जो स्क्रीन है वो यही चीज़ है, तो मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता ऐसे करके तो ये पीछे के पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा घुमा के यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, ये सिलेक्शन हो गया आपका, कीबोर्ड में आइए और कार्ड ले लीजिए। आपके पास कार्ड आ गया, सिलेक्शन आपका यहाँ पर हो रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो एंकर जैसा पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। इसमें जो मिडल वाला आएगा, मैच सिलेक्शन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो आपका जो कार्ड है छोटा सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पहुँच चुका है, तो आप कार्ड को बड़ा कर लें जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक। इसके बाद थोड़ा कार्ड को घुमा लेते हैं। तो अभी हुआ क्या है, तो आप देखेंगे हमारा कार्ड उसी पोजिशन में आ गया जहाँ पर हमारा स्क्रीन है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था आपको,
तो ये लोकेटर्स आपको दिए इसलिए होते हैं कि आप इनसे एक पोजीशन तय कर लें कि वो 3D एनवायरनमेंट में कहाँ पे है। अभी इनके इसके हिसाब से आपका जो क्रीन है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है और आपका जो क्रोमा है वो इतने डिस्टेंस में है। तो ये चीज़ आपको लोकेटर्स इंडिकेट करते हैं और लोकेटर से ही आप अपना कार्ड, स्पीयर, जो भी आप निकालना चाहते हैं ऐसे ही निकाल सकते हैं। अभी जैसे आपने यहाँ पे कार्ड ले लिया, आपके पास कार्ड आ गया, तो अपना नॉर्मल जैसे हम अपना प्रोजेक्शन करते हैं वैसे ही हम प्रोजेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो नॉर्मल ये ले लिया और ये मैंने यहाँ से कार्ड ले लिया, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती और बहुत से लोगों को पता भी है, तो जिन्हें नहीं पता ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, हमारा एक सेटअप बन गया है और इसको मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पे ये आ गया है और इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा जो कार्ड है वो सही जगह प्लेस हुआ है और हमारा जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ओरिएंटेशन क्या होता है, अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।